देवरिया नगर पालिका की सच्चाई बयान करता है देवरिया का खास वार्ड नंबर 11, जो कि एक हरिजन बस्ती। आए दिन यहाँ नालियों का गंदा पानी मोहल्ले की सड़कों पर भर जाता है, जिससे मोहल्ले वासियों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। मोहल्ले वासियों ने सफाई कर्मी से लेकर सफाई सत तक कई शिकायत की है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस समय मोहल्ले का ये हाल है, तो बरसात के समय इसका क्या हाल होता होगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मोहल्ले वासी देवरिया के वार्ड नंबर 11 के लोग इस गंदे पानी से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी शिकायत की है, लेकिन इस पर किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हुई है। भोला प्रसाद देवरिया खास के रहने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत कचरा हो गया है आज 2 साल से, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न झाड़ू लग रहा है, न पोछा लग रहा है, न कुछ भी। हमारे बच्चे सब यहाँ पर पढ़ने के लिए जा नहीं रहे हैं। आज 2 साल से जाम हो रहा है। हाँ, वैसे ही आते जाते हैं, और कोई बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग को। सूचना दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का सख्त सफाई हो और यहाँ पर व्यवस्था तो सुरक्षित रखा जाए। क्या नाम पड़ी आपके? भोला प्रसाद। कौन बस्ती है? देवरिया खास। क्या नाम आपके और कौन मोहल्ला है? लीलावती हरजन बस्ती है। देवरिया खास में पड़ा? देवरिया खास हरजन बस्ती खास देवरिया। समस्या ये बस साहब, कभी झाड़ू लगता है आना तो नाली साफ होता है। हम लोग ये कचरा में से आते हैं, कचरा में से जाते हैं। पानी कब से लग रहा है? अरे होगा साल भर, 1.5 साल से पानी लगा था। हाँ। कई बार सोचना दिल गल, कोनो सुनवाई नहीं है ना, कुछ नहीं था। क्या नाम पड़ी? लीलावती। मेरू निशा। क्या समस्या है? नाली नहीं साफ होता, झाड़ू नहीं लगता, हम लोग एक कचरे में रहे। साल भर से लग रहा है, सूचना दिए कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम लोग आदमी नहीं है? कि हम लोग के घर बच्चे नहीं है पढ़ने लिखने वाले, किस तरह कचरे में जाएंगे पढ़ने?